नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। इफ जेड इक्वल टू दे रखा है हमें, जेड इक्वल टू दे दिया कितना, ए की 4, बी की 1/3 एंड डिवाइड बाय सी और डी की 3/2। हमें बताना क्या है, रिलेटिव एरर इन जेड। हमें जेड की वैल्यू दे रखी है इतनी, इसका रिलेटिव एरर कैसे है लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाय बी। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें जो पहला ऑप्शन है वो नहीं मैच हो रहा, प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज द ऑप्शन इज मैचिंग इज, तो इसका सी ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 4/5 डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी। तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ क्या है 4 अकेला है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 डेल्टा ए बाय बी ए प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस 2/3 डेल्टा डी बाय डी। यहाँ पे क्या है, 4 के साथ क्या दे रखा है, बी दे रखा है क्या ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है ना कि 3/2। थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है 4 डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी। तो दैट ऑप्शन 3 इज मैचिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,